उम्मीद की किरण है, उम्मीद को हासिल ही जाने देना चाहिए। हम इस काबिल हैं कि हम अब भी अपने हालात को ठीक कर सकते, क्योंकि हमने बिगाड़े भी खुद ही हैं। ये बात सही है कि बिगाड़े भी खुद ही हैं और ठीक भी हमने खुद ही करना है। अगर अपने पाँव पे खड़ा होना है तो हम ही ने खड़ा होना है, किसी ने उठा के मैं खड़ा नहीं करना। और मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त का पाकिस्तान जब मुझे याद आता है तो बहुत तकलीफ होती है कि वो पाकिस्तान जो कि IMF को भी खुदा हाफिज़ कह चुका था, वो पाकिस्तान जहाँ बिजली रोज़ बरोज़ आती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, वो पाकिस्तान जहाँ रुपया स्टेबल था, वो पाकिस्तान रोज़गार मिल रहा था, पाकिस्तान जहाँ बिजली सस्ती थी, वो पाकिस्तान जहाँ रोटी 4 रुपए की मिलती थी, वो पाकिस्तान जहाँ गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था, वो पाकिस्तान जहाँ इलाज की सहूलतें मैसर थी, मुफ्त दवाइयाँ मुफ्त थी। बताएं आप, वो आज पाकिस्तान आपको नज़र आता है? वो नज़र आता है? आप सब मीडिया के लोग हैं, आप बड़े जानते बूझते हैं सब कुछ, आप बड़े बाखबर हैं, वो नज़र आता है? ये बड़े अफसोस और बड़े दुख की बात है कि हम पहुँचे क्यों यहाँ तक, नौबत यहाँ तक क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी हमें तो आज। और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इनमें सब चीज़ें शामिल हैं, और मैं वो शख्स हूँ जिसने 150-150 पेशियाँ भुगती हुई हैं, ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिलआखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से, और मिलनी थी वो किसी ना अहदे पर फाइज थी जब मैं वज़ीर आज़म था, जब हमारी गवर्नमेंट थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वज़ीर थी, ना बशीर थी, तो उनको तो ऐसे धर दिया था उन्होंने। मियां साहब फिर हमारी पार्टी के लोग इंक्लूडिंग मिस्टर शहबाज शरीफ, और फिर हमारे ख़ानदान से बाहर भी जो हमारी पार्टी के लोग उनके साथ दिखा, और